नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्य और आप देख रहे हैं जेमिनी न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज तारीख 14 अगस्त 2019, सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे आज की तिथि और नक्षत्रों के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र में। आज दिनांक 14 अगस्त 2019 दिन है, आज का बुधवार। आज संवत 2076 के श्रावण माह शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु की चतुर्दशी तिथि है और आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। आज सूर्योदय प्रातःकाल 5:41 पर हुआ और आज का जो सूर्यास्त है सायंकाल 6:45 पर होगा। राहुकाल आज का 12:13 से लेकर 1:51 तक आज के राहुकाल का समय रहेगा सौम्य। तो ये है हमारे दर्शकों के लिए आज के तिथि व नक्षत्र की जानकारी। जी, जैसे कि पंडित जी आपने तिथि और नक्षत्रों की जानकारी हमारे दर्शकों को दे ही दी है, और आज 14 अगस्त है यानी कि 15 अगस्त को और रक्षाबंधन के साथ सावन का ये पवित्र जो माह था वो समाप्त हो जाएगा। तो आज 14 अगस्त उपरांत कैसे शिव जी की पूजा करें, क्या कुछ कर डाले जिससे शिव जी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएं? बिल्कुल सौम्य, जो तुमने हमसे प्रश्न किया है उस प्रश्न का ही हम अपने दर्शकों को जवाब दे देते हैं और इसी को विषय बनाते हैं आज की चर्चा। भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन कौन सी सामग्री चढ़ाने से क्या फल मिलता है? सावन में कई बार इन विषयों से संबंधित चर्चा की है, लेकिन आज का विषय उससे कुछ अलग होगा। किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनेकों सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। प्रायः भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज का फल अलग अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग सामग्रियों का क्या फल होता है। शिव पुराण के अनुसार हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि अनाज भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं तो आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। वह तिल के चढ़ाने से आपके पापों का नाश हो जाता है तथा जौ को अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। वह गेहूं को चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। वह शिव पुराण में इसका उल्लेख भी है। तो और भी हम जानकारियां भगवान शिव को अर्पित वाली सामग्रियों को अपने दर्शकों को दें उससे पहले बता देते हैं मेष वृषभ मिथुन व कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। मेष राशि के जातक आपके साथ भाग्य का साथ बना हुआ है व घरेलू मोर्चों पर आज आपका धन व्यय होगा। रुका हुआ पैसा जैसे एरियर किराया व कमी इत्यादि आज आपको मिल सकता है। कारोबार में अनुकूलता रहेगी तथा नौकरी में भी प्रमोशन मिल सकता है, जिससे कि आज आपको प्रसन्नता रहेगी। लेकिन इन सभी कार्यों में आज जल्दबाजी ना करें। वृषभ राशि के जातकों, आज दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा व पारिवारिक चिंता बनी रहेगी और आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी जो कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगी। लेकिन आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मान सम्मान मिलेगा तथा नौकरी में शकुन रहेगा। निवेश इत्यादि से आज आपको अनुकूल लाभ होगा तथा धनार्जन होगा। मिथुन राशि के जातकों, तंत्र मंत्र में आज आपकी रुचि रहेगी तथा सरकारी कार्यालय में अटके कामों में आज आपके गति आएगी। जो सरकारी प्रतिष्ठानों में सरकारी विभागों में आपके काम रुक रहे हैं उनमें आज बढ़ोतरी होगी व गति मिलेगी। व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी में आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी व यात्रा की योजना बन सकती, कहीं आप जा सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी आज आप किस कार्य में बिल्कुल भी ना करें। कर्क राशि के जातकों, वाहन मशीनरी व अग्नि इत्यादि के प्रयोग में बिल्कुल भी आज आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आप ये दुखद हो सकता है। पुराने शत्रु भी आज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना है। कीमती वस्तुएं व कीमती सामान आपका गुम हो सकता है या चोरी भी हो सकता है, सतर्कता आवश्यक है। किसी भी विवाद को बढ़ावा न दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बड़ा लाभ भी आज आपको हो सकता है व धनार्जन होगा। जी, जैसे कि पंडित जी आज हम चर्चा कर रहे हैं शिव जी की कैसे आराधना करें, क्या सामग्री उन्हें चढ़ाएं, क्योंकि आज आखिरी दिन है शिव को प्रसन्न करने का, क्योंकि कल 15 अगस्त के साथ रक्षाबंधन के साथ ये महापवित्र समाप्त हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि इस माह का समापन है और आज 29वां दिन है। भगवान शिव को शिव पुराण के अनुसार कौन कौन से रस व द्रव्य चढ़ाने से उनका क्या फल मिलता है, जैसे कि हमने अन्न के बारे में बताया कि
गेहूं चढ़ाने से, तिल चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से आप क्या प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से रस ज्वर मीन्स बुखार होने पर भगवान शिव को जल धारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जल धारा द्वारा भगवान शिव की पूजा उत्तम बताई गई है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। नपुंसक व्यक्ति अगर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करे व ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए तथा सुगंध तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने से समृद्धि आपको प्राप्त होती है व धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान शिवलिंग पर ईख मीन्स गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी सुखों की प्राप्ति होती है, आनंदों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों प्राप्ति होती है और जो मधु है शहद उससे भगवान शिव का अभिषेक करने से राजयक्ष्मा जैसे टीवी रोगों में लाभ मिलता है व उनसे निजात भी मिल सकती है। तो और भी चीजें हैं जो भगवान शिव पे अर्पित की जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसको अपने चर्चा में बताने से पहले आपको बता देते हैं सिंह कन्या तुला व वृश्चिक राशि वालों का आज सफल। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों आज नौकरी में शांति बनी रहेगी व अधिकारी वर्ग आपसे संतुष्ट रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। चोट व रोग से बाधा आज आपको संभव है। मानसिक बेचैनी रहेगी व किसी सरकारी कार्यालय में रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। शुभ समाचार मिलेंगे व आय में वृद्धि होगी। कन्या राशि के जातकों आज अपने हित शत्रुओं से सावधान रहें, उनसे सावधानी आवश्यक है जो आपके हितैषी हैं लेकिन अंदर से आपसे शत्रुता रखते हैं। स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। कोई बड़ा फायदा होने की भी संभावना है लेकिन लापरवाही तथा प्रमाद से आज आपको बचना होगा। बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे व भाग उन्नति होगी लेकिन विवाद आज आप ना करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों किसी मनोरंजक कार्यक्रम या यात्रा का आयोजन आज हो सकता है। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होगी व आज आपको कुछ नए व्यंजन भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय से लाभ होगा व दान हो सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जात को कोई शोक समाचार मिलने की आशंका है जिसके चलते आज आपको धैर्य रखना होगा। पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। वृद्ध लोगों जो जातक वृद्ध हैं वो सावधानी रखें। दौड़ धूप अधिक होगी व कार्य में विलंब होगा। चिंता व तनाव रहेंगे। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखते हैं तो आज आपको लाभ होगा। जी, जैसे कि पंडित जी अभी आपने बात बताई कि कौन सी विधियां जिससे हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तभी रस की हो गई हर चीज, क्योंकि अब बात फूलों की जाए तो शिव जी को कौन से फूल चढ़ाए जिससे वो अति प्रसन्न हो जाएं। बिल्कुल सही प्रश्न किया है। तो जैसे कि पहले हमने अन्न की बात की जिसमें तिल जौ चावल गेहूं इनके बारे में बताया, दूसरी बार हमने जल तथा गन्ने का रस इत्यादि जो रसों के बारे में अपने दर्शकों को बताया, शहद क्या उससे क्या प्राप्त होता है। अब हम आगे बताते हैं कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं तो आपको लाभ मिले और उसका क्या लाभ होता है। लाल व सफ़ेद अकौड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करते हैं तो महान सुख मिलता है तथा अलसी के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी के पत्तों से पूजन करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह है फूल और पत्तियों की बात जो कि अपने दर्शकों को हमने बताई। और भी कुछ बातें हैं जो शिव पूजन में बहुत ही सन्निहित की जाती हैं, उनके बाद चर्चा को बताएंगे, चर्चा में आपको बताएं। उससे पहले बता देते हैं धनु मकर कुंभ व मीन राशि वालों का आज का राशिफल। धनुराशि, धनुराशि के जातकों किसी असहाय व्यक्ति की आज सहायता कर पाएंगे, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी व सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। पार्टनरों से मतभेद आज आपके दूर होंगे। थोड़े प्रयास से ही आज आपके काम बनेंगे व धन की प्राप्ति सुगमता से होगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों विदेश से उत्साहवर्धक सूचना आज आपको प्राप्त होगी तथा घर में मेहमानों का आगमन होगा जिससे कि आज आपको प्रसन्नता रहेगी लेकिन धन का व्यय होगा। आत्मविश्वास बना रहेगा और कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा जिससे कि लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आज आप अपने वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग न करें, उनके प्रयोगों से बचते हैं तो दिन आपका खत होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग व मार्गदर्शन से आज आपको रोजगार प्राप्त होगा।
यात्रा लाभदायक रहेगी व नए काम मिलेंगे। नौकरी में जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो प्रसन्न रहेंगे व आसपास का वातावरण आज आपका सुखद रहेगा। धनार्जन होगा, जल्दबाजी ना करें। मीन राशि, मीन राशि के जात को कीमती वस्तुओं को आप संभाल करके रखें व दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें और विवाद से बचें। लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ेगी व नौकरी में आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। जोखिम व जमानत कार्यों को आज के दिन न करें। यात्रा में भी जल्दबाजी न करें। व्यवसाय आज आपका अच्छा चलेगा। जी, जैसे कि पंडित जी हमने अभी अन्न और सब चीजों की बात, रस की बात कर ली, उसके बाद ने कौन से फूल चढ़ाने उसकी भी बात कर ली, तो अब क्या चीज बाकी रह गई है जिसे हम भोले को और भी प्रसन्न कर सकते हैं? अभी हम फूलों की बात करते हैं। तीन चीजें ही भगवान को अर्पित की जाती है जो विशेष रूप से दर्शक करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जाके स्नान कराते हैं तो उसमें रसों की बात हो गई, फिर उन्हें अन्न चढ़ाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, तिल है, ये जो अर्पित करते हैं, तो धन की अन्न की बात हो गई, तो रस, अन्न और पुष्प ही भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। तो उन पुष्पों की बात जैसे कि चल रही थी, तो उसमें आगे दर्शकों को बता दें कि वेला के फूल से पूजन करने पर सर व सुशील पत्नी प्राप्त होती है। जूही के फूल भगवान शिव पे अगर अर्पित करते हैं व जूही के फूलों से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो घर में कभी भी अन्न की नहीं होती है। कनेर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करने से आपको नए नए वस्त्र धारण करने को प्राप्त होते हैं। और भगवान शिव सबसे अधिक प्रिय है एक पुष्प, वो है हरसिंगार। हरसिंगार के फूलों से अगर पूजन करते हैं संपत्ति वृद्धि है। तो आपको निम्न चीजें प्राप्त होंगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आप धन बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा व आप स्वस्थ रहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने सारी जानकारी दी, क्योंकि आखिरी है, ये सारी चीजों को जल्दी जल्दी कर लीजिए और भगवान शिव को प्रसन्न करिए। सारे तरीके के फूल जो आपकी परेशानियां उसके हिसाब से चढ़ाइए, रस चढ़ाइए, अन्न चढ़ाइए, भगवान को प्रसन्न करिए। और राशियों की जानकारी तो पंडित जी ने दे ही है आपको। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए जिम डी न्यूज। नमस्कार।